हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आपके पास एक अच्छी सी रीडिंग लेके आया हूँ। इंटरेस्टिंग है रीडिंग। सो यहाँ तीन पाइल है, 1, 2 एंड 3। सो आज की मेरी रीडिंग की टॉपिक है यस नो और मे बी। आपके मन में कोई भी अगर सवाल है तो उसके जवाब हाँ ना या मे बी में आ सकते हैं। सो मुझे भी पता नहीं कि तीनों पाइल में क्या है, मैंने जस्ट सफल करके निकाले हैं। एंड ये जनरल रीडिंग है जो रिजोनेट करे रखे, रिजोनेट ना करे जाने दें। मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेम सेक्स किसी के लिए भी रीडिंग हो सकती है। तो आपके मन में जो भी सवाल है उनको अपने मन में रखिए, उनका जवाब हाँ या ना में हो सकता है। डिटेल डिटेल के साथ इसमें टैरोट कार्ड भी हैं, एंजल कार्ड भी हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये पहला कार्ड है फुल मून पाइसेस का। सो अगर आपको ये इंटेंशन आपका बोल रहा है कि ये कार्ड आप चूज करें तो ये कार्ड आप चूज कर सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। दूसरे पाइल में है थर्ड क्वार्टर मून का कार्ड है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है, अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि ये कार्ड चूज करने के लिए, तो आप ये कार्ड चूज कर सकते हैं। और थर्ड पाइल की कार्ड है न्यू मून इन जेमिनाई का, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि ये कार्ड चूज करना है, तो आप ये कार्ड चूज कर सकते हैं। लेट्स सी। सो यहाँ पे तीन पाइल हैं, अपने इंट्यूशन से किसी एक पाइल का चुनाव कीजिए यस नो और मे बी के लिए। 1, 2, 3, पाइल 1, 2, 3। सो पहली पाइल जिन्होंने चूज किया है, मैं उसके लिए देख रहा हूँ यस नो और मे बी में क्या आता है। लेट्स सी। दोनों पाइल को पहले यहाँ पे रखते हैं। सो पाइल 1 जिन्होंने चूज किया है, तो पहला ही कार्ड है फुल मून इन पाइसेस का, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली। लाइफ में स्पिरिचुअल बने और प्रैक्टिकल बने, लेकिन बैलेंस के साथ। दोनों में बैलेंस का जो भी कॉन्ट्रास्ट है आपको मिला के चलना होगा। यहाँ पे एक मोनोलॉजी से आपके लिए ये मैसेज है फुल मून इन पाइसेस का, तो बैलेंस बनाना जरूरी है। आप देखते हैं टैरोट से हाँ ना में जो भी मन में आपके सवाल है उसको मन में रख ले, देखते हैं हाँ ना में क्या जवाब आता है या मे बी में। फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 100% हाँ है। मुझे थोड़ी सी मनी की वाइब ज्यादा आ रही है, जिन्होंने मनी को ध्यान में रख के सवाल अपने मन में रखे थे, तो हाँ या ना के लिए। तो यहाँ पे साफ मुझे लग रहा है कि मनी के सवाल या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जिन्होंने सवाल अपने मन में रखते हैं, उनके जवाब 100% हाँ है। जिन्होंने लव के लिए भी सवाल किए थे, तो उसके लिए भी हाँ ही है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ एनर्जी नजर आ रही है अबंडेंस की और सेविंग की। तो आप या तो करियर में या लव में, दोनों में ही जो आपके मन में सवाल है उनका जवाब है 100% यस, 100% यस। अब एंजल्स के मैसेज देख लेते हैं। बी असर्टिव, तो आपको निश्चय करना होगा जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे जो भी आप निश्चय ले रहे हैं अपने लव लाइफ के लिए, तो आपको पूरी तरह से निश्चय करना होगा, क्योंकि कंफ्यूजन में कोई काम ना करें। 50-50 में अगर हैं, आपका माइंड 50-50 में है, तो प्लीज असर्टिव होके ही काम करें, निश्चय करके ही काम करें, अदरवाइज आपको वो काम नहीं बनेगा। देखते हैं। टेक एक्शन, अगर आपके पास कोई लव ऑफर, बिजनेस ऑफर या कोई अच्छा काम या किसी के लिए भी सवाल आपके मन में है, तो जवाब यहाँ है कि टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, शांत ना रहिए। अगर किसी चीज़ में आपको जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए, तो आपको एक बैलेंस के साथ आपको एक टेक एक्शन का कार्ड आया है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सो यहाँ फर्स्ट पाइल की रीडिंग हो गई, 100% हाँ है, आपके जवाब 100% हाँ है। सो जिन्होंने सेकंड पाइल चूज किया है, देखते हैं अब उनका जवाब, उनके सवाल का जवाब हाँ ना या मे बी में क्या है, क्या निकल के आता है। तो थर्ड क्वार्टर मून का कार्ड है सेकंड पाइल के लिए, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पहला मैसेज आया है कि किसी भी सिचुएशन में आप हो, चाहे लव, वर्क, हेल्थ या मनी, जिस वहाँ पे आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा अपने आगे आने वाली लाइफ के लिए। सो एक अच्छा सा मैसेज है ये। और देखते हैं आपकी
टैरोट से आपके लिए जो जो मन में आपके सवाल हैं उसका जवाब हाँ या ना में आता है या नहीं। यहाँ भी 100% हाँ है, सरप्राइजिंगली द स्टार, नाइन ऑफ वैंड्स। तो जवाब बिल्कुल यहाँ एक्शन का ही है, जवाब बिल्कुल आया है 100%, यानी कि आपको विश फुलफिलमेंट आपका होगा ही स्टार कार्ड से। एंड नाइन ऑफ वैंड्स, तो मैसेज जिस मैसेज का वेट कर रहे हो, चाहे लव का हो चाहे वर्क का हो, वहाँ भी आपको बहुत जल्दी मैसेज, रियूनियन, एक्शन के रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो भी आपको करियर वाइज भी आप चमकेंगे, साइन करेंगे, 100% यहाँ भी यहाँ है, तो हैप्पी हो जाइए। पाइल टू के लिए भी यस ही है, 100% यस है। एंड एंजल के कार्ड देखते हैं, बिग हैप्पी चेंजेस, तो आपके पास बहुत बड़ा एक बदलाव आ रहा है और खुशी, वो बदलाव आपको खुशी देगा, ब्लेसिंग देगा, एंजल्स के ब्लेसिंग है। तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आप जो भी सपने देखे थे, जो भी आपके मन में सवाल थे, उसका हाँ में तो जवाब है ही, और आपको एक बहुत बड़ा चेंज मिलेगा लाइफ में, बूस्ट मिलेगा। दूसरा कार्ड देखते हैं, ईयर फ्रॉम नाउ, तो ईयर फ्रॉम नाउ में भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत वेटिंग में थी, तो अभी से लेके आपको 1 साल के अंदर में वो बड़ी चीज़ मिलेगी जिसकी आपको उम्मीद थी, और उससे पहले भी मिल सकती है कि ईयर फ्रॉम नाउ, ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद मिलेगा आपको, 1 साल के अभी से 1 साल के अंदर में जो आप चाहते हैं आपको मिल सके सकता है। तो यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी आपको पाई टू का जवाब भी 100% यस मिला है। एंड बहुत हैप्पी, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, एंड काफ़ी कुछ होने वाला है, डोंट वरी, काफ़ी कुछ होने वाला है। तो 100% जवाब यस में है पाइल टू का भी। अब पाइल थ्री देखते हैं, पाइल थ्री जिन्होंने भी चूज किया था, फुल न्यू मून जेमिनाई से, कम्युनिकेशन इज की। तो जो भी कम्युनिकेशंस आपके हैं, यहाँ पे एक मैसेज आया है पाइल थ्री के लिए, उस कम्युनिकेशन को बनाए रखें, चाहे किसी जॉब, वर्क, फ्रेंडशिप या लव के थे कनेक्शंस, तो कम्युनिकेशन बनाए रखें, कभी भी एक अच्छा रिजल्ट निकल के आ सकता है। न्यू मून जेमिनी का कार्ड है, तो यहाँ भी एक अच्छा मैसेज है। देखते हैं आप टैरोट कार्ड से कि आपके जो मन में सवाल है पाइल थ्री, वो यस और नो में है या नहीं है, या मे बी में। 100% यस, कमाल हो गया, तीनों पाइल के जवाब यस में ही आए, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ तो बिल्कुल ही पूरी तरह से यस ही है, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड साफ दिखा रहा है कि जो काम नहीं बने थे आपके, जो मन में सवाल चल रहे थे, वो बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएंगे, स्ट्रेंथ आएगा, और किसी भी चीज़ को अपनी ओर आप मोड़ मोड़ सकते हैं, डिवाइन का सपोर्ट है। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ तो पहले से ही एक स्ट्रांग एनर्जी है कि आपके सवाल का जवाब हाँ ही है, 100% हाँ, स्ट्रेट हाँ। तो आज तो कमाल हो गया, किसी में नो या मेबी की तो ऊर्जा आई ही नहीं। अब देखते हैं एंजल के क्या मैसेज हैं। आस्क फॉर योर एंजल्स, कुछ काम नहीं बन रहे हैं तो अपने भगवान, अपने ईश्वर, अब जो भी रिलीजन के हैं, एंजल से, अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए, आपका विश पूरा होगा। एंड पाइल थ्री, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जिन चीज़ों का आपको इंतज़ार था अगले 5 हफ्तों के अंदर में वो विश फुलफिलमेंट होगा। एंड आपने जो भी सोचा है, आपके सवाल जो भी थे, उसका हाँ में तो जवाब है ही, और जो चीज़ें आप करना चाहते थे, पाना चाहते थे, वो अगले 5 हफ्तों के भीतर में होने के पूरे चांसेस हैं। सो यहाँ तो आज कमाल हो गया, मुझे भी पता नहीं था कि नो आएगा या मे बी आएगा या यस आएगा, मुझे खुद भी पता नहीं था। और तीनों पाइल के जवाब स्ट्रांगली हाँ में ही आए हैं, तो यस और नो की मेरी रीडिंग 3 पाइल्स के साथ आज खत्म होती है, और तीनों में ही हाँ है, बिग थम्स अप है, 100% हाँ है। सो मिलते हैं अगले रीडिंग में, ओम नमः शिवाय।